हेलो फ्रेंड्स, टेक फॉर ऑल ऑफ यू में आपका वेलकम है। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र में ऑफलाइन ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर सिर्फ क्रोम ब्राउज़र के लिए, आप इसमें ही ऑफलाइन ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो आप क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके, और फिर गूगल क्रोम को ओपन करिए और फिर उसमें एक URL टाइप करिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्रोम फ्लैक्स। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको ये URL टाइप करना है और फिर इस URL पर जाना है। लेकिन फ्रेंड्स, इस ब्राउजिंग ऑफलाइन फीचर की एक डिसेबिलिटी भी और एक फ़ायदा भी है। तो फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप अपने ब्राउज़र में ऑफलाइन ब्राउजिंग कर सकते हैं, और आपको डिसेबिलिटी ये मिलेगी कि आप सिर्फ उन्हीं पेजेस को ओपन कर सकते हैं जो आप पहले ओपन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये पेज ओपन करने के बाद कंट्रोल प्लस F दबाइए, फिर आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे सर्च करिए सेव्ड कॉपी बटन, और यहाँ पे डिसेबल भी हो सकता है कंप्यूटर में या डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तो आपको एनेबल प्राइमरी पे क्लिक करना है। एनेबल प्राइमरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक आएगा पॉपअप आएगा, योर चेंजेस विल टेक इफेक्ट नेक्स्ट टाइम यू रिलॉन्च गूगल क्रोम। तो रिलॉन्च नाउ पे क्लिक करिए और रिलॉन्च कर लीजिए फ्रेंड्स। लेकिन याद रखिएगा, जो पेज आप पहले ही ओपन कर चुके हैं सिर्फ वही आप ऑफलाइन ओपन कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने ओपन करा youtube.com, फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अब YouTube ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, इस पेज को पूरी तरीके से लोड होने देना जब तक यहाँ पे यूट्यूब का लोगो ना बना जाए, ना कि ऐसा सर्कल लोडिंग चल रही हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब ये पूरी तरीके से लोड हो चुका है ये पेज, अभी तक इसका लोगो बना नहीं आया। फ्रेंड्स, अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं अपने इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं नॉट कनेक्टेड। अब मैं इसमें खोलूँगा youtube.com। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको रीलोड बटन की जगह एक दूसरा बटन दिखेगा जिस पे लिखा होगा शो सेव्ड कॉपी बटन, शो सेव्ड कॉपी। तो आप इस पे क्लिक करिए, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेज लोड हो गया है पूरी तरीके से। तो फिर लेकिन आप उन्हीं पेजेस को ओपन कर सकते हैं जो आप पहले ओपन कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपको मुझसे और भी हेल्प चाहिए। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।